दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना पर इंडिया के इकोनॉमिक ओवर डिपेंडेंस की और जानेंगे कि कैसे ये इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के लिए डेंजरस है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब किसी भी आजाद देश द्वारा अपनी फॉरेन इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक पॉलिसीज पर फ्रीली डिसीजंस लेना बिना किसी दूसरे स्टेट के दबाव या थ्रेट के। ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में कई न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया कि इस साल दिवाली सेल्स में इंडियंस ने कॉन्शियसली चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की माने तो इस बार दिवाली सेल्स में चाइनीज एक्सपोर्टर्स को लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान फेस करना पड़ सकता है। एक हिसाब से ये पॉजिटिव खबर है जहां इंडियन कंज्यूमर्स चाइनीज डंपिंग प्रैक्टिसेस के प्रति अवेयर होकर इंडियन गुड्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। उनके हिसाब से इंडिया का चाइना के साथ एनुअल ट्रेड इस साल हिस्टोरिक हाइट्स अचीव करने वाला है, लेकिन कंसर्न की बात यह है कि इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता ही जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि इंडिया के चाइना के साथ इम्पोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, यानी हम कई गुड्स के लिए चाइना पर ओवर डिपेंडेंट हैं। चौंका देने वाली बात तो ये है कि आज भी इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बाकी देशों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। ये सब मुद्दा तब और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम पिछले कुछ सालों में चाइनीज एग्रेशन की तरफ ध्यान देते हैं। डोकलाम से लेकर गलवान तक सिनो इंडियन बॉर्डर क्लैशेस और स्टैंड ऑफ्स अब आम बात हो गए हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया में भी चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करने के कई कैंपेन्स चले। ये कैंपेन्स हम भारतीयों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स का प्रतीक रहे हैं, जहां हम ऐसे देश के साथ इकोनॉमिक टाइज नहीं रखना चाहते जो हमारे सोल्जर्स और लोगों के लिए हानिकारक हो। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई ऐसे मेजर्स लिए हैं जिनके चलते कई चाइनीज कंपनीज को स्ट्रेटजिक सेक्टर से एक्सक्लूड किया गया, कई चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया और आईटी कंपनीज को 5G ट्रायल से एक्सक्लूड किया गया। लेकिन सिनो इंडिया ट्रेड का डेटा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये कैंपेन्स और मेजर्स किस हद तक अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हो पाए हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स ये कहता है कि लोग इन जनरल सस्ते प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं और इसलिए चाइनीज गुड्स मार्केट्स को डोमिनेट करते हैं। ऐसे में क्या ये सेंटिमेंट ड्रिवन बॉयकॉट कैंपेन्स इकोनॉमिक लॉजिक्स को डिफाई कर लॉन्ग टर्म में सिनो इंडिया ट्रेड पर कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? इस साल में दिवाली सेल्स में भले ही 50,000 करोड़ का नुकसान चाइनीज एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेड डेटा में ये अमाउंट चाइना और इंडिया के बीच लगभग 3 लाख करोड़ रुपीज़ के ट्रेड डेफिसिट के सामने कुछ भी नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कैंपेन्स और मेजर्स के बावजूद आखिर क्यों इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इस बात पर भी हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशंस 1988 के बाद से लगातार बेहतर हुए हैं। ये वो साल था जब तत्कालीन PM राजीव गांधी बीजिंग गए थे। इस विजिट ने 1962 वॉर के बाद चल रहे सिनो इंडिया रिलेशंस में खटास को कम किया और तब से लेकर आज तक लगातार दोनों देश ग्रो होते रहे हैं और एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशंस इम्प्रूव करते रहे हैं। और तो और 2017 से 2020 तक लगातार US को पीछे छोड़ चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा। आज चाइना इंडिया के लीडिंग ट्रेड पार्टनर्स में है, जिसके साथ इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट शेयर 9% हैं और इंपोर्ट शेयर्स 18%। इंडिया का चाइना पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी कई क्रिटिकल सेक्टर्स में दिखता है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में यूज होने वाले APIs, बेसिक केमिकल्स, एग्रो इंटरमीडिएट्स, ऑटो कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। लगभग 86 ऐसे आइटम्स हैं जिनके लिए इंडिया चाइना पर क्रिटिकली डिपेंडेंट है, यानी कि अगर चाइना इन प्रोडक्ट्स को इंडिया को एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बड़ा थ्रेट बन सकता है। आज इंडिया के 20% ऑटो कंपोनेंट्स, 70% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, 45% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, 70% API और 40% लेदर गुड्स चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। रिसेंट डेटा का कंपेरिजन करें तो एक तरफ पिछले साल सिनो इंडिया ट्रेड का एनुअल वॉल्यूम लगभग $88 बिलियन रहा, वहीं इस साल तो 9 महीनों में ही हमने ये मार्क क्रॉस कर दिया विथ ट्रेड एट $90 बिलियन, यानी कि 2021 खत्म होते होते ये ट्रेड हिस्टोरिक हाइट्स अचीव कर लेगा। ये खबर अच्छी होती अगर हम एक एक्सपोर्टर कंट्री होते, लेकिन ऐसा
है नहीं। पिछले 9 महीनों में हमारा ट्रेड डेफिसिट लगभग $47 बिलियन का रहा, यानी टोटल ट्रेड का लगभग आधा। इसके अलावा एक और कंसर्न ये है कि चाइना में इंडिया के एग्री, फार्मा और आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस बैरियर्स फेस करते हैं, यानी कि चाइनीज पॉलिसीज के चलते इंडियन गुड्स को चाइनीज मार्केट में एंट्री देने से रोका जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि इंडिया ने चाइना के सामने ये मुद्दे रखे हैं, लेकिन बॉर्डर टेंशन के चलते इन मुद्दों का कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के मामले में भी देखा जाए तो आज चाइनीज कंपनीज का इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी स्टीडली बढ़ा है। चाइनीज इन्वेस्टर्स ने रफली $4 बिलियन से भी ज्यादा आज इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए हैं। मार्च 2020 तक इंडिया के 30 यूनिकॉर्न कंपनीज में से 18 ने चाइनीज इन्वेस्टर्स से फंड्स रिसीव किए हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल कंज्यूमर मार्केट है, जहां हर रोज लाखों लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। इसलिए टेक कंपनीज के लिए इंडिया एक ल्यूक्रेटिव मार्केट है। इसलिए अलीबाबा, टेंसेंट और टिकटॉक ओनर बाइटडांस जैसे चाइनीज टेक कंपनीज हर रोज फेसबुक, अमेजोन और गूगल जैसे ब्रांड से कंपीट करने की कोशिश में है। आज इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की माने तो इंडिया में टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में से 4 चाइनीज ब्रांड्स हैं, जो यहाँ के 80% स्मार्टफोन मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जबकि होमग्रोन ब्रांड्स का मार्केट शेयर 1% भी नहीं है। आने वाले टाइम में इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी एक बड़ा मार्केट होगा, जिस पर चाइना की आंखें टिकी हुई हैं। चाइना ऑलरेडी इस फील्ड को डोमिनेट कर रहा है, और आने वाले टाइम में जब इंडिया एक मेजर मार्केट की तरह उभरेगा, तब चाइनीज डोमिनेंस इस सेक्टर में भी देखा जा सकता है। दोस्तों, इस वन साइडेड ओवर डिपेंडेंस का एक कारण इंडियन प्रोडक्ट्स पर चाइनीज पॉलिसी मेकर्स द्वारा लगाए गए नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आते हैं। चाइना जानबूझकर टाइट क्वालिटी नॉर्म्स इम्पोज कर इंडियन गुड्स का अपने मार्केट में एक्सेस रोक देता है, जिसके चलते इंडियन गुड्स वहां पहुंच ही नहीं पाते। दोस्तों, अगला कारण है चाइनीज गुड्स का सस्ता होना, जिसके चलते इन गुड्स की डिमांड दुनिया भर में होती है। इसकी कई वजह हैं, जिन्हें IMF ने भी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया है। IMF के हिसाब से चाइनीज गुड का सस्ता होना चीप लेबर, एक्सचेंज रेट और करेंसी मैनिपुलेशन और सब्सिडाइज्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के चलते है। सबसे पहला चाइनीज चीप लेबर है, जिसके चलते चाइनीज गुड्स का प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाता है। चाइनीज गुड्स इंडियन गुड्स या बाकी देशों के गुड्स से कहीं सस्ते हैं, और इसलिए हमारे इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं। एक तरफ हम चाइना से सस्ते गुड्स इम्पोर्ट करते जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे महंगे गुड्स की ओवरसीज डिमांड कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन केमिकल फर्टिलाइजर्स चाइनीज केमिकल फर्टिलाइजर से लगभग 76% कॉस्टली है, और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कंपैरिजन में चाइनीज सर्किट्स 23% सस्ते। चाइना पर यह आरोप भी लगता है कि वो करेंसी मैनिपुलेशन कर अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन करता है। करेंसी डिवेल्युएशन से डोमेस्टिक गुड्स की प्राइस फॉरेन मार्केट में कम हो जाती है, और डोमेस्टिक गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हो जाते हैं और उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा चाइना ने हमेशा से डोमेस्टिक सब्सिडीज को यूज कर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट किया है। डोमेस्टिक सब्सिडीज जैसे सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी या फिर टैक्स इंसेंटिव से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और चाइनीज गुड्स और सस्ते हो जाते हैं। WTO के रूल्स के मुताबिक डोमेस्टिक सब्सिडीज पर कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन चाइना ने कई बार इन रूल्स को लूपहोल्स के चलते बाईपास किया है। इन सभी वजहों के चलते आज चाइनीज गुड्स का दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। इन सब के बियॉन्ड अपने गुड्स को सस्ता करने के लिए चाइना कई तरह के एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी ऑफर करता है, और उन्हें ऐसी प्राइस में एक्सपोर्ट करता है जो चाइनीज मिनिमम प्राइस से भी कम होता है। इसे हम डंपिंग कहते हैं, यानी कि अगर चाइनीज मार्केट में वन प्लस का फोन 60,000 का है, तो वो इंडिया में इसे 50,000 में ही सेल कर देते हैं। डंपिंग एक अनफेयर प्रैक्टिस है, जिसका नतीजा ये है कि इंडियन इंडस्ट्रीज खुद के मार्केट में ही चाइनीज प्रोडक्ट्स के सामने कम्पीट नहीं कर पाती, और ओवर डिपेंडेंस के एक विशियस साइकिल का जन्म होता है। इंडिया का API मैन्युफैक्चरिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडिया फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की 3rd largest मानी जाती है, और फार्मा में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स APIs की मैन्युफैक्चरिंग पहले वो खुद करता था, लेकिन जैसे जैसे चाइनीज API इंडस्ट्री कॉस्ट कट करके ग्रो हुई, वैसे वैसे इंडियन API मैन्युफैक्चरिंग ठप पड़ गई।
इसीलिए इंडिया आज 70% APIs चाइना से ही इंपोर्ट करता है। इसीलिए सितंबर 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक चाइनीज फार्मा पर डंपिंग के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने का रिकमेंडेशन भी दिया था। इन्वेस्टमेंट में चाइनीज डोमिनेंस की बात करें तो उसका सबसे पहला कारण है चाइनीज कंपनीज के लिए इंडिया का एक ल्यूक्रेटिव मार्केट होना। इंडिया में एजुकेटेड मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हो रहा है जिसके चलते उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। इसलिए वेल्दी चाइनीज फर्म्स एक्टिवली इंडियन मार्केट में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई भी कॉस्ट देने को तैयार हैं। ऊपर से इंडिया में लोकल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के रिस्क उठा सकने वाले लार्ज वेंचर इन्वेस्टर्स की कमी चाइनीज फर्म्स के लिए वरदान है। इस वरदान को चाइना ने 2015 में यूटिलाइज किया जब अलीबाबा ने इंडियन ब्रांड पेटीएम में 40% शेयर्स एक्वायर किए। दूसरा कारण ये है कि चाइनीज फर्म्स आज इंडिया के लोकल स्टार्टअप्स को पेटेंट कैपिटल देने के लिए रेडी हैं। पेटेंट कैपिटल का मतलब है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सपोर्ट जहां कंपनीज इमीडिएट प्रॉफिट्स को इग्नोर कर मार्केट शेयर पर फोकस करती हैं। यानी अर्ली स्टेज लॉस मेकिंग कंपनीज को भी चाइनीज फर्म्स फंड देकर खुद के मार्केट शेयर को एक्सपैंड करती हैं। इसके अलावा चाइना में सेविंग्स रेट दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है एट 45%। इसका इस्तेमाल चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को रोबस्ट करने के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करने में भी किया। दोस्तों, ऐसा इकोनॉमिक ओवर डिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी दोनों के लिए खतरनाक है। ये नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन अरविंद पंजारिया की बातों में भी साफ झलकता है। गलवान क्लैश के बाद उन्होंने कहा था कि इंडिया और चाइना के बीच एक ट्रेड वॉर से इंडिया की इकोनॉमी सालों पीछे जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इंडियन फार्मा की बात करें तो वो 70% APIs चाइना से इंपोर्ट करती है और इंडियन फार्मा का इंडिया की GDP में शेयर लगभग 2% है। APIs पर ब्लॉकेड न सिर्फ हमारी मेडिकल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा बल्कि वो पूरी फार्मा इंडस्ट्री को पैरालाइज कर सकता है। ऐसा लगभग 86 सेगमेंट्स में हो सकता है जिनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर इंडिया चाइना पर क्रिटिकली डिपेंडेंट है। ऐसे थ्रेट्स हमारी स्ट्रेटजिक इटॉनमी को ऐसे हैम्पर करते हैं कि भले ही चाइना कितना भी एग्रेसिव होता रहे लेकिन उसके खिलाफ रिटेलिएशन करने के हमारे ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स पर सैंक्शंस लगाना हमारे लिए एक डायलमा वाली सिचुएशन है। वहीं चाइना एक विन-विन सिचुएशन में है जहां वो बॉर्डर के साथ साथ इकोनॉमिक एग्रेशंस भी अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा चाइना पर इन्वेस्टमेंट के लिए ओवर डिपेंडेंस भी हमें चाइनीज एग्रेशन को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने से कई बार रोक देता है, क्योंकि अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट रुक गया तो कई नए इंडियन स्टार्टअप्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। साथ में कई चाइनीज कंपनीज के चाइनीज मिलिट्री के साथ लिंकेजेस की रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं। हुआवे के बारे में ये क्लेम्स थे कि उसके 5G इनेबल्ड डिवाइसेस में सिक्योरिटी रिस्क है जिसे यूज कर चाइनीज मिलिट्री ग्लोबल सर्वेलेंस कर सकता है। हुआवे के चाइनीज मिलिट्री लिंक्स की भी रिपोर्ट सामने आई थी। यही वजह है कि कई देशों ने हुआवे को बैन कर दिया और इंडिया ने 5G ट्रायल से उसे बाहर कर दिया। रिपोर्ट्स हमें ये संदेश देती हैं कि कैसे चाइनीज कंपनीज का इंडियन मार्केट में डोमिनेंस न सिर्फ उसकी इकोनॉमी के लिए खतरा है बल्कि उसकी सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के चाइना पर इकोनॉमिक ओवर डिपेंडेंस की, जिसे काउंटर करने के लिए हमें अब तैयार रहना होगा और ये शायद ही बॉयकॉट कैंपेन्स जैसे शॉर्टकट मेजर से होगा। इकोनॉमिस्ट अरविंद पंगारिया ने गलवान क्लैश के बाद कहा था कि हमारी पॉलिसीज रैशनल और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म रिएक्शनरी पॉलिसीज जैसे बॉयकॉट और टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस हमारी खुद की इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकती हैं। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस और टैरिफ वॉर इसलिए सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि पिछले साल जब इंडिया ने कुछ सेक्टर्स में रेस्ट्रिक्शंस लगाए तो चाइना ने वही गुड्स इंडिया में हांगकांग के थ्रू डंप करने शुरू कर दिए। ऐसे में रिएक्शनरी पॉलिसीज यूजलेस हो जाती हैं। चूंकि एक ट्रेड वॉर हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें चाइना के साथ एक स्ट्रेटजिक पेशेंस मेंटेन कर खुद की इकोनॉमी को धीरे धीरे मजबूत करना चाहिए, तभी जाकर हम इस ओवर डिपेंडेंस को खत्म कर सकते हैं। एक दिन अगर इंडिया की इकोनॉमी $10 trillion हो गई तो हम इजिली चाइनीज एग्रेशन के सामने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करना होगा ताकि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स अपना 1% मार्केट शेयर को बढ़ा सके। इंडियन गवर्नमेंट को इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक इनेबलिंग एनवायरमेंट को पुश करना होगा।
इसके अलावा ये बेहद जरूरी है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज उन स्पेसिफिक आइटम्स के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन फैसिलिटीज सेटअप करें जिनको लेकर इंडिया चाइना पर क्रिटिकली डिपेंडेंट है। ये सेक्टर्स APIs, AU टू पार्ट्स एक्सेट्रा में हो सकते हैं। अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री का स्कोप ना हो तो एटलीस्ट इन प्रोडक्ट के सप्लायर बेस को डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके अलावा इंडिया के पास आज ऑप्शन है कि वो राइजिंग चाइनीज वेजेस का फायदा उठाकर खुद को मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह पोर्ट्रे करें। इंडिया आज इस रेस में वियतनाम जैसे देशों से भी पीछे हो रहा है और इसलिए उसे जल्द से जल्द एक्टिव मेजर्स लेने होंगे। लार्ज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी चाइनीज डिपेंडेंस को काउंटर कर सकते हैं। ताइवानीज जाइंट फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज का इंडिया में आकर एप्पल का प्रोडक्शन और सैमसंग द्वारा अपना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना पॉजिटिव साइंस है, जहां इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने लिए एक जगह बना सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो इंडिया ले सकता है इस इकोनॉमिक ओवर डिपेंडेंस को कम करने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।